हमीरपुर जिला में व्यापारी वर्ग लगातार बाल खेल मैदान में होने जा रहे ट्रेड फेयर का विरोध करता आ रहा है। इसी कड़ी में व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान से मिला। व्यापारियों के विरोध के बावजूद उपायुक्त के द्वारा बाल खेल मैदान में 10 दिनों के लिए ट्रेड फेयर लगाने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि व्यापार मंडल इस ट्रेड फेयर को न लगवाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन उपायुक्त के आदेशों के बाद अब व्यापार मंडल को निराशा ही हाथ लगी है। हमीरपुर के खेल मैदान में एक बार फिर ट्रेड फेयर होने जा रहा है। ये ट्रेड फेयर 10 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लोगों को मनोरंजन के साथ साथ ढेर सारी शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। हालांकि हमीरपुर का व्यापारी वर्ग इस ट्रेड फेयर के लिए मनाही कर रहे थे, लेकिन उपायुक्त मदन चौहान ने इस ट्रेड फेयर के लिए अनुमति दे दी है। वहीं व्यापारी ने बताया कि इस ट्रेड फेयर से उनके व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे ट्रेड फेयर लगने से लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता है। सब लोग खरीदारी करने के लिए मेले में चले जाते हैं और महीने भर की खरीदारी कर लेते हैं, जिसके चलते उनके व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि मेले लगने से लोग बाजार का रुख कम करते हैं और बाजार सूने हो जाते हैं, जिससे हमें व्यापार में घाटा उठाना पड़ता है। कम करो जिसमें व्यापार मंडल का नुकसान होता है, बच्चों की खेल का नुकसान होता है, बुजुर्गों की सेहत का प्रॉब्लम आती है। किताब ने इसका माना कि हमें गलती हुई, उसकी बात व्यापार मंडल से परमिशन नहीं ली, उनसे बात नहीं हुई, तो अब टेंडर हो चुके हैं, तो ये 10 दिन के लिए नहीं। कितना नुकसान होता है इनमें? व्यापार तो सारा व्यापार ग्राउंड में चला जाता है, हर आदमी मेले में जाता है, तो उसका बड़ी बात है। दुकान में कोई आइटम लेने से पहले बोलेंगे यार मेले में चलते, मेले में सस्ती मिले, महंगी मिले, वो तो बात की बात है। क्वालिटी के ऊपर भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो मेला पिछली बार भी होता है, बार बार विरोध करते हैं व्यापार मंडल, परंतु पिछली बार विरोध नहीं किया था। पिछली बार डी साहब ने बुलाए थे और बैठ के ये हुआ था कि उसको कर लिए, पर जब उसका रिजल्ट देखा तो नुकसान हुआ व्यापार मंडल को। और आजकल वैसे भी व्यापार मंडल कोई GST से प्रॉब्लम है, कोई नोटबंदी से प्रॉब्लम है, एक लगभग 8-9 महीने से व्यापार की किसी तरह ठीक नहीं है। और किसी पर डी साहब ने सब्जी में बताई, मुझे व्यापार मंडल ने मान लिया।